साहब आप ओलंपिक कार प्रोग्राम का भी हिस्सा बन जाते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसी लीडर की जो कि हमारे यहाँ की एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही कमिटेड डिजिटल लीडर है, और यही नहीं बहुत ही कमिटेड है अपने पैशन के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। ये एक ट्रू एग्जाम्पल है एक फोकस लीडर की। द रीजन इज क्योंकि ये जो कुछ भी ठान लेती हैं वो पूरा जरूर करती हैं। अपने साथ जुड़े हुए हर किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत रखती हैं। आपने इन्हें लास्ट मंथ भी स्टेज पर देखा था और बहुत जोरदार तालियां बजाई थी, तो इस बार भी तैयार है क्या? Yes. और इनकी ये कमिटमेंट है कि ये बार बार हर बार स्टेज पर आती रहेंगी। सो आज हम इन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए गोल्ड डायरेक्टर। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे न्यू गोल्ड डायरेक्टर शांति देवी का।
यहाँ तक आने में मुश्किलें तो बहुत थी, मतलब सीखना फिर उससे आगे बढ़ना। 3-4 महीने तो मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि डिजिटल मेरे को करना कैसे है, लेकिन अब मैं अपनी टीम को अच्छे से संभाल सकती हूँ और अपने जो भी मेरे डिजिटल लीडर हैं उनको अच्छे से सिखा सकती हूँ। पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं 9% की थी। बहुत सारे काम किए, स्टॉल लगाए और छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं। सपने बड़े थे लेकिन सोचते कि कैसे पूरे होंगे, और इसलिए मेरी लाइफ में आके एकदम लाइफ चेंज हुई है मेरी, जो कहीं नहीं हो सकती। ये सब ओरिजिनल में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। गांव में शादी हुई, वहाँ पे बंद के रही, फिर वापस आई और सोचती थी क्या करूँ अपने बच्चों के लिए, मैं क्या बोलूँगी अपने बच्चों के लिए, क्या किया मैंने। लेकिन आज मैं आराम से बोल सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। पहली बार ट्रिप मिला गोवा का, वो पल मैं कभी नहीं बोल सकती क्योंकि लाइफ में कभी कहीं घूमी नहीं थी। पहली बार गोवा घूम के आई और आज भी मेरी आंखों में दिखता है वो कि मेरे पूरे जो भी मैंने वो पल जिए हैं। अभी हैदराबाद टीम के साथ जाऊंगी, वहाँ सिंगल गई थी और स्टॉकहोम क्वालिफाई हो गया। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल जाऊँगी। कोशिश करूँगी मैं अपने बेटे को भी साथ में लेके जाऊँ स्टॉकहोम में। थैंक यू करना चाहूँ मेरी टीम का जो यहाँ तक मेरे साथ एकदम दिन रात मेहनत करते हैं, और चाहूँगी कि वो भी मेरे साथ हमेशा मेरे साथ हर महीने स्टेज पे आए। ये मेरे को वो लग गया है हर महीने स्टेज पे आए। कभी टीम के साथ कभी मेरी टीम, बहुत खुशी मिलती है कि मेरे टीम वाले लोग वैसे भी आगे जाएंगे।